सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पीएस टच मतलब यूज नहीं कर पा रहे, आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पीएस टच को यूज करने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी पीएस टच की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। सो गाइस, इस प्ले स्टोर में जाने के बाद हम वर्जन 6.1.592 डाउनलोड करेंगे, मतलब डाउनलोड नहीं, मैं आपको रिव्यू दिखा दूंगा इसका सिंपली वहाँ पे स्लाइड शो करके। तो ये देखिए, सो गाइस, इसको मैंने यूज़ किया था लेकिन ये एकदम वैसा पीएस टच नहीं है जैसा हम लोग यूज़ करना चाहते हैं जिस काम के लिए। सो इसमें कीप एंड रिमूव वाला बिल्कुल ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, मैंने 4-5 दिन यूज़ किया है इसको। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, इसका मैंने स्क्रीन शॉट आपको दिखा दिया है। तो गाइस, इसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या अबाउट दिया इसका। तो गाइस, ये देखिए अबाउट जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये कुछ ज़्यादा इसके फीचर्स नहीं है। सो गाइस, ये हो गया फर्स्ट वाला। अभी हम चलते हैं सेकेंड पीएस टच में, जिसका वर्जन है 1.7.7। सो गाइस, ये वाला पीएस टच किसी के फ़ोन में ओपन होता ही नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने भी इसका यूज़ किया तो ये मेरे फ़ोन में भी ओपन नहीं हो रहा है। और बहुत से मतलब लोग की ये प्रॉब्लम है कि उनके फ़ोन में ये मतलब इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, खाली ऐसी स्क्रीन आती है इंस्टॉल हो जाता है, फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, इसके सोल्व करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद में यूज स्पेस में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपको सिलेक्ट करके रखना है ऑल वाला ऑप्शन। सो गाइस, ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करना होगा। ऊपर नीचे करने के बाद में आपको आपका पीएस टच दिखने लगेगा। सो गाइस, ये रहा पीएस टच, उसको सिंपली आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि गाइस इसको आपको सेटिंग में आके अनइंस्टॉल करना है, आप सिंपली बाहर से मत करना, सेटिंग में आके करना। सो गाइस, ये होने के बाद में आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली आके उसको डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, ये तीसरा वर्जन है जिसका वर्जन है, ये देखिए, पहले मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, पूरा अच्छे से प्रॉपरली इंस्टॉल होता है मेरे फ़ोन में, और तो आपके फ़ोन में भी बरोबर प्रॉपरली इंस्टॉल होगा गाइस, ठीक है। सो गाइस, ये होने के बाद में हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, इसका वर्जन है हमारा 9.9.9। तो गाइस, ये सबके फ़ोन में सपोर्ट करेगा। सो गाइस, ऐसा वर्जन मैंने निकाल के लिख के आया हूँ आपके लिए। सो गाइस, ये देखिए फुल वैसे मतलब पॉपअप शो हो रहा है जिससे मतलब रियल पीएस टच में होता है। सो गाइस, ये देख सकते हो जितने भी ऑप्शन में, जैसे कि मैं ये वाली फ़ोटो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे कि मैं चाहे कौन सी भी फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की है। सो गाइस, ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे लोग पहले। सो गाइस, एकदम फुल पीएस टच ये है, मतलब फुल ऑप्शन। ये देखिए कीप रिमूव वाला ऑप्शन में, पहले मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कट कॉपी सब हमें थोड़ा वो दिया है, सेकंड वाले में कुछ फिल्टर्स हमें दिए हुए हैं। सो गाइस, ये आप अप्लाई करके देख सकते हो, ऐसे करने से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट जो भी है वो सब यूज़ कर सकते हो। सके थर्ड पे हमें इफेक्ट्स दिया हुआ है। सो गाइस, इफेक्ट्स में भी लोगों ने 4 एकदम बेसिक फोटो आर्टिस्टिक दिए, और एंड में क्रॉप इमेज एंड बहुत सारे ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। सो गाइस, जियो होने के बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हम पिक्सार्ट में लेयर बनाते हैं वो भी यहाँ पे है। सो गाइस, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए बहुत मतलब रियल पीएस टच ये भी है। सो गाइस, ये देखिए कीप एंड रिमूव वाला ऑप्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे। सो गाइस, ये देख सकते हो पहले ब्रश वाला मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैं आपको कीप एंड रिमूव वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। गाइस, ये हमारा कीप। तो गाइस, कैसे करोगे, जैसे कि मैं अभी कीप पे क्लिक करता हूँ, क्लिक अभी यहाँ पे ग्रीन वाला जितना जिधर जिधर रहेगा तो वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अभी मैं रिमूव वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ। सो गाइस, रिमूव पे जैसे सिलेक्ट किया तो ये देखिए, तो बस आपको सिंपली ऐसे इसको इरेज करना होगा हमारे मॉडल को। सो गाइस, ये एकदम सिंपल वे है पीएस टच को यूज़ करने का। सो गाइस, ये देखिए, तो आपको मैंने इसका भी रिव्यू दे दिया है। सो गाइस, अगर आपके फ़ोन में ये वाला वर्जन भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं आपके लिए एक और वर्जन लेके आया हूँ, जिसका वर्जन नंबर है 1.3.7.8। सो गाइस, ये वर्जन भी एकदम फुल पीएस टच ही है, बस थोड़ा बहुत इन लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन किसी के मतलब किसी की रैम कम रहती है तो उस वजह से मतलब पीएस टच ओपन नहीं होता है सबके फ़ोन में। सो गाइस, इस पर भी मैंने क्लिक किया और सिंपली देखिए वही सारे ऑप्शन है जितने मैंने अभी पिछले वर्जन में आपको दिखाया था। सो गाइस, ये रहा हमारा कीप एंड रिमूव वाला ऑप्शन। सो गाइस, ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन वो वाले। सो गाइस, फुल मतलब जो अभी आपको दिखाया वही है, खाली थोड़ा सा इसका वर्जन चेंज है। सो गाइस, ये वो कट वाला ऑप्शन, कॉपी वाला, फिर यही हमारे जो इफेक्ट्स है वो, फिर इफेक्ट्स आ गया, तो 4 बेसिक आर्टिस्टिक वही है, सेम सब सेम है, खाली थोड़ा सा इन लोग डिफरेंस कर देते हैं। सो गाइस, बाकी सब एकदम पूरा एकदम सेम टू सेम पीएस टच मैंने आपके लिए 4 लेके आया हूँ। सो गाइस, अगर आपको चारों में से कोई भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।